हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अभिनव। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोड सेफ स्टार्टर जुलाई 1 के इवेंट टिपर, ये प्रॉब्लम के प्रॉब्लम नंबर 4 थी वहाँ पर। सो हम लोग इसका देखेंगे, पूरा समझेंगे और फिर उसका हम लोग कोड डिस्कस करेंगे। फाइन, तो हम लोग सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको एक तो पहले एरे दे रखी होगी इंटीजर्स की, और साथ में आपको आपको कुछ क्यू क्वायरीज दे रखी होंगी। आपको हर क्वायरी में एक एल और एक आर दिया जाएगा। बेसिकली ये इंडिसेज हैं, उस एरे के लिए ये इंडिसेज हैं कि उस एरे में आपको इस एल और आर के बीच में, मान लेते हैं ये एरे है, जैसे कि एरे यहाँ दे रखी है पूरी, और एल की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 3 है, तो 1 से लेकर 3 पोजिशन तक की आपको ये वाली सब एरे कंसिडर करनी है क्वायरी नंबर फर्स्ट के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ। फिर आपको इसको कंसिडर करना क्या है, आपको ये करना होगा कि आपको उनमें से कोई तीन इंडिसेस उठाने होंगे, मतलब तीन एलिमेंट्स उठाने होंगे जिनके जो इंडिसेस आपको, मतलब ऑब्वियसली बात है, तीन तीन इंडिसेस उठानी होंगी, जिनमें से एक पहले एक होगी, उसके बाद एक उससे आगे होगी, एक उससे आगे होगी। ठीक है, बेसिकली मेन बात ये होगी आपको उनमें से कोई तीन एलिमेंट्स उठाने होंगे जो कि सेम नहीं होने चाहिए, और उन सबका सम जो है वो इवन होना चाहिए। आपको इस तरीके से देखिए, एक आपके पास पूरी एक एरे दे रखी गई, ठीक है, समझिएगा, आपको पूरी एरे दे रखी गई है, फिर आपको एक एल और आर की वैल्यू दे रही है एक पर्टिकुलर क्वायरी में। इस एल और आर की मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे एल 2 है, आर 5 है, तो आपको 2 से लेके 5 तक इतनी आपको सब एरे कंसिडर करनी है। तो जो एल और आर दिया गया, मतलब आपको कितनी एरे, आपको एरे में से कितने एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं। मान लीजिए एल 1 और आर 6 दे दिया गया, मतलब आपको पूरी एरे कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर आपको क्या करना है, आपको उसमें से कुछ ट्रिपलेट्स बनाने हैं, उस जो भी आपके सब एरे आई है, और उनका सम जो है इवन होना चाहिए। तो ये और कितने ऐसे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं आपको ये बताना है, जिनका सम इवन आ रहा है, जिनके तीनों एलिमेंट्स का सम जो है वो इवन आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारी प्रॉब्लम थी। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसे अब नोट पैड पर समझते हैं चल के, और फिर हम लोग उसका कोड देखेंगे। तो फाइन, तो हम लोग देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, हम लोग को बेसिकली क्या समझना है, हाँ, तो हमें इसे समझना क्या होगा कि जैसे आपको ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बोले 1, फिर 1 के बाद 2, 3 एंड देन 4, देन 5, देन 6। ओके, तो 1 to 6 यहाँ पर आपको कुछ 6 यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए एरे में। ठीक है, 6 की ये साइज की ये एरे है। आपको बोला गया, मान लेते पहले वाले केस में, कि 2 से 2 L = 2 है और आर इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, मतलब आपको सेकेंड एलिमेंट से, ये सेकेंड एलिमेंट रहा, यहाँ से लेके फिफ्थ एलिमेंट ये है, यहाँ से यहाँ तक की सब एरे कंसिडर करनी है। और आपसे बोला गया ये बताइए कि इनमें से आपको कोई तीन नंबर चूज करने हैं, इस सब एरे में से आपको कुछ तीन तीन एलिमेंट चूज करने हैं जिनका जो सम है, जिनका जो सम हो हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास इवन आ जाए, वो हमारे पास इवन आ जाए, ये हमें इनको बताना होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, आप एक चीज देखिए कि किसी भी तीन एलिमेंट्स का सम इवन कब होता है। देखो हम बताए कब होता है, दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि सारे ही इवन हो, जो तीनों ही नंबर्स हैं वो इवन हो जाए। जब तीनों ही नंबर इवन होंगे तब उनका सम इवन हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या होती है, अगली कंडीशन ये होती है कि एक इवन हो, एक इवन हो जाए उन तीनों में से, और बाकी दो ऑड हो जाए, बिकॉज उन दोनों का ऑड, दोनों का ऑड सम तो इवन ही होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये होती है। तो इस तरीके दो कंडीशन ऐसी बनती हैं जब हमारा जो तीनों का नंबर का सम होगा वो इवन हो जाएगा। इस तरीके से दो कंडीशन यहाँ बन रही है। तो हम लोगों ने ये बात समझ ली, चलो भैया ठीक है, तो इतना हो गया अपन का, तो इस पे हो गया। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारी जो सब एरे है उसमें कितने नंबर्स इवन है, कितने नंबर ऑड है, हम लोग को ये देखना है। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो सब एरे निकाल लिया, और सब एरे में देख लिया कि कितने नंबर इवन है, कितने नंबर ऑड है। तो इस वाले केस पे देखो, इस वाले केस पे देखो, इस वाले केस पे दो नंबर देखिए इवन आ रहे हैं, दो नंबर ऑड आ रहे हैं, दो नंबर इवन है। आप एक काम करते हैं, हम लोग पूरी ही ले लेते हैं, पूरी ही ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 से लेकर 6 तक दिया था हमें पूरा, कि भाई पूरी एरे लीजिए आप, L = 1, R = 6 था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक पूरी एरे मान रहे हैं हम लोग। फाइन, तो हम लोग पूरी एरे ले रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर इवन कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर इवन को मैं ई से डिनोट करता हूँ, इवन 3 आ रहे हैं, और ऑड नंबर भी 3 है यहाँ पर, ऑड नंबर भी कितने, 3 है। ठीक है, 3 इवन 3 ऑड आ रहे हैं। तो आप एक चीज देखिए कि आपके पास जितने भी इवन होंगे, मान लीजिए आपके पास ई इवन नंबर्स हैं, तो EC3 जो होगा, आप इतने पेयर तो बना ही सकते हैं। भाई आपके पास बहुत सारे इवन नंबर हैं, तो आप उनमें से 3 को चूज करिए, उनमें से किसी भी 3 को, और उन सबका सा हमेशा इवन ही रहेगा क्योंकि सारे नंबर इवन ही है। तो एक बात तो हो गई कि आप क्या करेंगे, आप अपनी जो भी आपके एरे आ रही होगी उसमें से आप ये चेक करेंगे आपके पास इवन नंबर कितने हैं, और EC3 जो होगा, जो EC3 होगा, इसकी वैल्यू ये तो आपके सेट बन रही है, क्योंकि EC3 जितने भी 3 आएंगे टुपलेट, वो उनका सम इवन होना ही होना है क्योंकि सारे नंबर इवन थे।
अब आप क्या करेंगे, अब आप ऑड नंबर देखेंगे कि ऑड नंबर्स कितने हैं। तो अब ऑड नंबर से क्या करेंगे, आप जितने भी ऑड नंबर है उसमें से आप OC टू कर देंगे। मान लीजिए ओ ऑड नंबर है तो आप OC टू कर देंगे, मतलब सारे ऑड नंबर है आप दो ऑड नंबर सब निकाल लेंगे। मान लीजिए एक ऑड नंबर आ गया 3 और एक ऑड नंबर आ गया 5, ये दो आ गए। तो आप देखिए कि इन इन दोनों का सम जो है तो दोनों ऑड, पर इन दोनों का सम देखिए इवन आ रहा है। और बिकॉज अगर दो ऑड है तो उनको हमें एक एक इवन के साथ पेयर करना पड़ेगा, तो तीसरा नंबर होगा वो इवन होगा, और तब ये ट्रिपलेट का सम जो है वो इवन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ओ सी टू इंटू कितने हमारे पास इवन नंबर्स हैं, हम लोग उसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए ई इवन नंबर है तो हम लोग ई का मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप देखिए यहाँ पर, तो एक केस तो ये हो गया कि हमारे पास जितने भी इवन नंबर हैं उनमें से हमने तीन तीन चूज कर लिया हर बार, तो हमारे ट्रिपलेट बन गए जिसमें सारे इवन है तो सब सम भी इवन होगा, तो हमने EC3 कर दिया। और हम लोगों ने क्या किया एक बार कि हम लोगों ने जितने भी ऑड थे उनमें से दो को चूज कर लिया, उन सबके पेयर बना लिए, और उन सबको उन सब में एक एक बार जो है हर एक इवन नंबर को दे दिया है इन टू थ्री ई कर दिया है। मान लेते हैं इस वाले केस पे कि हमारे पास कितने कितने ऑड थे, हमारे पास तीन ऑड नंबर है, ठीक है, एक 1 है, एक 3, एक 5 है। तो 3C2 क्या होता है, 3C2 होता है 3। तो अब आपका तीन सेट बन जाएंगे, पहला सेट बनेगा 1,3 का, ठीक है, पहला सेट बनेगा 1,3 का, अगला सेट बनेगा 1,5 का, और अगला सेट बनेगा हमारे पास 3,5 का। इस तरीके से हमारे तीन सेट बन जाएंगे, ठीक है, फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन सारे तीन सेट्स के साथ में हम लोग एक एक इवन नंबर डाल देंगे। एक बार इसके साथ 2 डाल देंगे तो एक सेट ये बन गया, देखो इसका सम देखो इवन आ रहा होगा। फिर एक बार इसके साथ 1,3 के साथ क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, और एक बार 1,3 के साथ हम लोग डाल देंगे, 1,3 के साथ हम लोग 6 डाल देंगे। इसी तरीके इसके भी तीन बन जाएंगे, इसके तरीके इसके तीन बन जाएंगे। तो ये ओ सी टू इंटू ई क्यों किया, क्योंकि जितने इवन नंबर हमें उतने यहाँ डालना है, तो इंटू ई हो रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, इन दोनों का जो ऐड होगा वही हमारे नंबर ऑफ ट्यूपल्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ट्राई किया समझाने का, अभी भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ पे आके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे आके आपका जो कोड है वो भेज सकते हैं, ताकि जो भी डाउट होगा उसमें जो एरर होगी हम लोग उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे और भी कोडर्स हैं, तो हम लोग आपस में डिस्कशन करके सारे चीज़ें करते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग अपना कोड देखते हैं कोड क्या है हमारा। तो ये रहा मेरा कोड, तो कोड भी आप देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो इनपुट ले लिया सारे नंबर को। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने यहाँ पे 1 से लेके 0 से लेके एन तक जितने भी नंबर्स थे सबका मैंने चेक कर लिया है कि कितने इवन है कितने ऑड है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एरे के अंदर मैं एक वेक्टर के अंदर डाल रहा हूँ। मैंने बेसिकली किया क्या है कि मैं सबसे पहले नंबर जो नंबर 1 है, मैं जो जो नंबर 1 पे है, एक बार फिर से हम लोग नोट पैड पर आते हैं समझने के लिए इसको। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, पहले सबको हटा देते हैं, हाँ फाइन। तो हम लोग इसमें करके आ रहे हैं कि हम लोग ये काउंट करें कितने ऑड है कितने इवन है, और क्योंकि हमें दोबारा दोबारा काउंट ना करना पड़े हम लोग एक ही बार ये सारी चीजें देख ले रहे हैं कितने ऑड है कितने इवन है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 पे आए, ठीक है, 1 पे आए, तो देखा क्या 1 ऑड है, हाँ भाई 1 ऑड है। तो जो ओ है ओ की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ओ में हम लोग ऑड प्रिंट कर रहे हैं, और ई की वैल्यू होगी 0, ये इंडिसेस 1 के लिए हो गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एस में क्या, हमने एस एस एक वेक्टर, उसमें मैंने डाल दिया 1 कि अभी तक भाई हमारे पास एक और मिला है, और मैं ए वेक्टर है जिसमें हम लोग इवन जिसमें हम लोग इवन इनपुट करवा रहे हैं वहां पर मैंने 0 डाल दिया। शायद मैंने मैं इसमें इवन डाल रहा था, तो इसको 0 डाल दो, इसको 1 कर दो। ए में मैं ऑड डाल रहा हूँ, ये दोनों वैक्टर्स हैं, ये दोनों क्या है, वैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो एक चीज़ देखिए, अब जब 2 पे आया, तो जब 2 पे आया तो उसने देखा कि अभी तक एक इवन आया था और एक ऑड आ चुका था, एक एक इवन भी आ गया। तो मैं देखिए दोबारा मैं इसी को बढ़ा रहा हूँ, मैं इसी को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो और तो एक ही है पर इवन एक आ गया यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, मैंने अगली बार मैंने क्या कर दिया कि ओ में मैंने क्या डाल दिया, अब इवन हो गया 1, तो मैंने 1 डाल दिया और ऑड 1 ही है। फिर मैंने क्या किया, इस वाले के लिए चेक किया कि 3 पे, तो अब 3 तो ऑड है, तो ओ एक और बढ़ गया, ओ 2 हो गया, भाई अभी तक 2 ऑड आ चुके हैं। देखो 3 तक जब हम लोग आए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो 2 ऑड है और एक इवन है। इसी तरीके यहाँ पर ऑड 2 हो गया, इवन 1 हो गया। फिर मैंने इसको यहाँ इनपुट कर लिया, इवन को मैंने यहाँ डाल दिया कि भाई इवन 1 है और 2 हो चुके हैं। इस तरीके करते करते मैंने आगे तक प्रिंट कर लिया। तो बेसिकली होगा क्या कि जब हम लोग एल से लेके आर, मान लो एल से लेके मान लो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के देख रहे हैं कि इसके बीच में कितने ऑड और इवन है, तो हमें दोबारा से पूरी लूप नहीं चलानी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पोजीशन पे जितने ऑड और इवन आ रहे होंगे उससे ये वाली पोजीशन माइनस कर देंगे,
ठीक है देखो, फाइव अगर हम लोग यहाँ से लेके फाइव तक चलें, तो फाइव वाले केस पे जब जब हमारे पास फाइव आया था, उस जगह आप देखिए कि एक दो और तीन ऑड आ चुके थे, तीन ऑड आ चुके थे, ओ की वैल्यू कितनी थ्री थी, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगी इन दोनों वेक्टर से। और हमारे पास इवन कितने आ चुके थे, इवन आ चुके थे हमारे पास दो, इवन दो आ चुके थे, देखो टू और फोर आ चुके थे, तो हमारे पास और तीन थे, इवन दो थे, ठीक है। और हमें ये तो वन से लेके फाइव तक बताया ना, कि वन से लेके फाइव तक, और हमें सिर्फ टू से लेके फाइव तक निकालना भाई, हमारे हमारे मानते ये सब है रहे, हमारी एल से आर तक की वैल्यू इतनी है सिर्फ, टू और फाइव है, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें यहाँ तक के माइनस करना होगा, मान लेते हैं थ्री टू फाइव, थ्री टू फाइव तो हमें यहाँ तक के माइनस करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग माइनस कर देंगे कि इस पोजिशन पे, फाइव वाले पोजिशन में पता है ओ थ्री था और ई टू था, तो इस पोजिशन पे ओ कितना था और ई कितना, बोलो माइनस कर देंगे। तो इस पोजिशन पे ओ कितने थे, मतलब ऑड कितने नंबर थे, एक ही से ऑड नंबर था वन, तो वन माइनस कर दिया। और इवन कितने थे, इवन तो एक भी नहीं थे इधर, तो मैंने इवन यहाँ माइनस जीरो कर दिया। तो हमें पता लगा कि इस एरे के भी, इस सब एरे में ऑड कितने, थ्री माइनस वन टू है, और इवन कितने दो हैं। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक दो ऑड है ना, दो इवन आ रहे हैं। और फिर हम लोग जो हमारा फॉर्मूला था वहाँ पर ई सी थ्री वाला और ओ सी टू इंटू ई वाला, हम लोग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है बात समझ में आई। तो हम लोग इस तरीके से इसको जो है पूरा अप्रोच करने वाले हैं। तो इस तरीके, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने सेफ वर्सेस भारत जो है उसमें मैंने बहुत ही यूज किया था इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर बार बार क्वायरीज में एलआर लिया जा रहा है तो आप एक बार ही पूरा निकाल दें, उसको बार बार यूज करें, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी ट्राई किया समझाने का। तो मैंने सेम चीज यहाँ पर कोड भी लिखी है, अगर हम लोग कोड देखें, मैंने पहले ही एक बार पूरा वन से लेकर एंड तक सारी ऑड इवन मैंने पुश बैक करा लिए। बाद में मेरा जो भी इवन ऑड है, मैंने मैंने एस आर माइनस वन और माइनस एस एल माइनस टू, मतलब जहां से हमें लेना है वहां का पिछला वाला माइनस कर दिया, कि पहले कितने ऑड आ चुके हैं जो कि हमारे एरे में नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने वो दोनों फॉर्मूला लगा दिया, जिसमें कि मैंने ई सी टू ई सी थ्री किया है, तो ई सी थ्री मतलब यही होता है, ई सी थ्री अगर देखते हैं, सॉरी ये मैंने क्या किया,